प्रतिमा पर किया और सरकार को निशाने पर लिया है। बढ़ते आगे अब बात करेंगे जौनपुर से खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त जौनपुर से सामने आ रही है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी है जौनपुर से। विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है, ये बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त मिल रही है। दुर्गा पंडाल में घुसकर लोगों से मारपीट की है विशेष समुदाय के लोगों ने। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जौनपुर से ये बड़ी खबर। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त, बताया जा रहा है कि दुर्गा पंडाल में घुसकर विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है। और जैसी सूचना पुलिस को मिली तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। तो ये तस्वीर सर आप देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा पंडाल में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई है विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, इस तरीके का आरोप लग रहा है और उसका वीडियो भी सामने आया है। जौनपुर से अजीत गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अजीत, क्या है ये पूरा मामला? बताया जा रहा है कि दुर्गा पंडाल में कुछ लोग दाखिल होते हैं और वहां लोगों से मारपीट करते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि मैं जनपद जौनपुर के थाना निवड़िया क्षेत्र के गुतवन में हूं। गुतवन में दो समुदाय के छोटे बच्चों को लेकर मारपीट हो गया था, जिसमें जो दूसरा समुदाय है वो पंडाल में चढ़कर पत्थर चला, जहां पर वहां फुटेज में पत्थर वहां देखे, इसके टुकड़े वहां देखने को मिले हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस एक्शन में आती है और निवड़िया पुलिस एक्शन में आकर आनंद फानंद में चार लोगों को हिरासत में लेती है, एक महिला समेत तीन पुरुष को चार लोगों को हिरासत में लेती है। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं कि राजनीतिक मोड़ ले लेता है और आपको बता दूं कि यहाँ पर माहौल काफी खराब हो चुका है। दुकानों में घुस करके, घरों में घुस करके तोड़फोड़ की गई है, सामान में काफी नुकसान हुआ है, काफी तोड़फोड़, दरवाजों को तोड़ा गया है, पत्र तोड़े गए। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख भी रहे होंगे, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है इस समय, क्योंकि इंडिया न्यूज पल पर दिखा रहा है, यहाँ पर तमाम फोर्स लग गई है। बाजार का माहौल इस समय काफी स्थित नाजुक है, क्योंकि बाजारों में काफी लोग डरे हुए हैं, पुलिस अभी पैदल मार्च कर रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे पीछे देखो पुलिस फोर्स खड़ी है, लेकिन अगर पीछे की बात करें तो पीछे काफी घरों में तोड़फोड़ हुई है, काफी दरवाजे तोड़े गए, काफी दुकानें तोड़फोड़ की गई है, सामान लूटने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन पुलिस बल कम होने के नाते पुलिस एक्शन नहीं कर पा रही है जी। लेकिन ये बवाल शुरू कहां से हुआ अजीत? आखिर इसकी नौबत क्यों आई, ये क्यों शुरू हुआ, क्यों विशेष समुदाय के लोग दुर्गा पंडाल के अंदर दाखिल हुए और क्यों इस तरीके की मारपीट हुई है? मैं आपको बता दूं कि जो विशेष समुदाय है, जो छोटे बच्चे, जो कि नाबालिग छोटे बच्चे, 8 साल के 10 साल के दो बच्चे आपस में विवाद कर रहे थे, जिसको लेकर मामला शांत हो गया।
लेकिन विशेष समुदाय के 40 से 50 लोग एकत्रित होकर दुर्गा पंडाल के अंदर जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू में उसी में कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर भी चलाए, दुर्गा पंडाल पर पत्थर भी, ईंट के टुकड़े भी देखने को मिले मूर्ति के पास, जिससे काफी लोग आक्रोशित हो गए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, यूपी में कौन अशांति पैदा करना चाहता है, ये बड़ा सवाल है इस खबर के बाद। दुर्गा पंडाल में घुसकर आखिर मारपीट क्यों की गई, आखिर कब होगा तगड़ा एक्शन, आखिर कब होगा विशेष समुदाय पर एक्शन। तो आखिर कौन माहौल खराब करना चाहता है, कौन अशांति फैलाना चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी में कौन पैदा करना चाहता है अशांति, दुर्गा पंडाल में घुसकर आखिर मारपीट क्यों, ये भी सवाल बड़ा है। आखिर कब होगा तगड़ा एक्शन, आखिर कब होगा विशेष समुदाय पर एक्शन, आखिर कब होगा तगड़ा एक्शन, ये बड़ा सवाल है। क्यों इस तरीके की घटना हुई है, यहाँ पर मतलब छोटे छोटे बच्चों में विवाद हुई थी, तो मोहल्ले के पहले दो तीन लोग मतलब छोटे मतलब एक छोटा था दो बड़े आए, तो उसे मारने के लिए मतलब पास आए, तो हम बीच में आ गए, फिर मतलब 8-9 लोग इधर से आए, फिर काफ़ी मोहल्ले के लोग मतलब कि तकरीबन 50-60 लोग आए इधर से, मतलब हमारे घर की साइड से गली है, वहाँ पर आकर उसे मारने लगे, स्टार्ट कर दिए तुरंत जो है, फिर CTH मारने उसे भी मारने स्टार्ट कर दिए, तो हम है वहाँ पर बीच में मतलब पड़ गए थे जो है छुड़ाने के लिए, तो हम मतलब हमसे भी मारपीट कर दिए जो है। यहाँ देखिए कौन लोग थे, वो लोग ये मोहल्ले मतलब मुस्लिम लोग थे। क्यों मारपीट किया, कोई पुरानी रंजिश था क्या, कर नहीं था सर, ये बोल रहे हैं जनरेटर बंद करो, मतलब वो जो सिटी है मतलब सिटी इनका लड़का है जो है जनरेटर चलाता है यहाँ पर, जो है बोल रहे जनरेटर बंद करो, बोला नहीं बंद करेंगे तो इसलिए मारने लगे उसे। युवक बता रहा था कि पहले बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, उस झगड़े को खत्म किया जाता है, लेकिन अचानक से कुछ लोग आते हैं, जनरेटर बंद करने को लेकर भी बातचीत बढ़ जाती है, और उसके बाद किस तरह मारपीट करते हैं और नज़ारा किस तरीके का है ये आप देखिए, उसके बाद कैसी हालत होती है। और पुलिस ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि आखिर अशांति कौन पैदा करना चाहता है। बात गोरखपुर से बड़ी खबर की।